डॉग लवर हैं और जो छोटा सा एक अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं घर पे डॉग रख के, एक फीमेल से, फीमेल जैसे लेबरा है, आप इसे रखिए, तो सारी चीज़ हम बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, तब आपको लगेगा इस लाइन में जाना है तो आगे बढ़ना, नहीं तो फीमेल वापस रखना। मैं यही आपसे सुनना चाहता था। बहुत सारे गाइस, ये फ्रेंड सर्कल अक्सर होता है कि सर मैंने गर्मियों में डॉग फीड बंद कर दी, मैंने अंडा देना बंद कर दिया, मैंने रेगुलरली एग्स करते हैं, रेगुलरली चिकन करते हैं। ये भी वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंड विनर है, रशियन इंपोर्ट वर्ल्ड चैंपियन, और अब इंडिया, ये अभी तो अभी मैं आज ही के कुछ देख रहा हूं, आज ही चैंपियन हुआ है। ओके, कांग्रेचुलेशन। नहीं, अगर आप बच्चे की तरह पाल सकते हो तो बिल्कुल लेना, अगर केयर नहीं कर सकते हो तो फिर किसी और इजी डॉग के, चाहे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर आए हो तो सब थकान निकल जाती है। वाहेगुरु चढ़दी कला रखी, होर भी गांत गांत रखियां। गाइस, हम आए हैं यहां पर चाव चाव के एक स्टॉल में, कह लो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ सर, कहाँ से? हम नाभा से हैं सर, पटियाला के पास। नाभा से, ओके। हमारे कैनल का नाम क्या है सर? यस चौ चौ कैनल। ओके, तो पहले नाम बताइए, ये तीनों बब्बर शेर कौन कौन से हैं, मेल फीमेल? जे मेल है सी। एज? एज इसकी 2.5 ईयर। ओके गाइस, और ये मेरे थोड़ा व्यूअर्स को ये बताइए, क्योंकि मेरे को मालूम है चौ चौ दो तरह के होते हैं, एक चाइनीज होते हैं, एक रशियन होते हैं, हमारे पास कौन से हैं राइट आज? ये सर रशियन है। ओके, रशियन में भी पंच फेस आता है जैसा इसका है। ओके गाइस, बस इसका एक डिफरेंस है, इसकी जो इसकी जीभ होती है, टेल होती है ना, वो एक अलग कलर की होती है। हाँ जी सिंह साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिमर है जी। सिमर, कहाँ से सिंह साहब? मैं भाई जी नाभे तो हूँ। नाभे तो, इन्होंने तो बता दो आपके कैनल का नाम। हम इसी ब्रीड में ब्रीडिंग करते हैं या कोई और ब्रीड भी हमारे पास होती है? ओनली यही ब्रीड है। और कितने पपीज हैं या डॉग हैं हमारे को इस पास इस समय इस अवेलेबल? हमारे पास अराउंड 10 और 15 डॉग्स हैं। 15 डॉग्स हैं। एक तो सिंह साहब ये बताइए कि इस ब्रीड को गर्मियों में रखना कितना मुश्किल चैलेंज है? गर्मियों में छोटा है चैलेंज, ये इसका बेटा मतलब सन है ये इसका। अच्छा जी, ये इसका सन है। ये देहरादून के ही है भाई साहब, इनके पास है ये। ओके, इनके पास है। ठीक है, ग्रेट। क्या नाम सर आपका? राहुल। राहुल सर, तो राहुल सर थोड़ा पहले आपका भी थोड़ा सा ले लें एक छोटा सा इंटरव्यू। कितना मुश्किल हुआ देहरादून के वेदर में इसको रखना, और कितना समय से आपके पास है? सर मेरे पास 15 महीने का मेल है। और कितना गर्मियां बीच में आई होगी, कितना टफ रहा? कोई ज़्यादा टफ नहीं है सर, ऐसा केयरिंग तो बिल्कुल चाहिए डॉग के साथ, केयरिंग बिल्कुल चाहिए हमें। ओके, टफ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा एसी में रहते हैं बट एसी में रखना पड़ता है दिन भर, वो तो थोड़ा डिमांड करते हैं। एक सिंह साहब, मैं आपसे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग है ना क्या करते हैं कि गर्मियों में शेव करा देते हैं, खासकर अगर देखो देहरादून का वेदर अलग है और जो हमारे पंजाब में, जैसे मैं जलंधर से हूँ, 45-48 डिग्री तक चला जाता है, तो उस समय जो लोग तो अगर शेव कराएंगे तो उसकी ब्यूटी सारी खराब हो गई। क्या गाय को कभी शेव नहीं कराना चाहिए? ग्रेट, तो उसमें आप क्या टिप्स दोगे कि जो लोग चौ चौ रखना है तो हम उसको 3 और 4 नंबर पे ट्रिम करें कम से कम। ओके, अगर आपको डॉग शो में नहीं जाना है, शो में जाना है तो ट्रिम मत कीजिए इसको, तो इसके हेयर कंडीशन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एसी डिमांड कंपलसरी है वो, तो अगर ये 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तो कोई भी डॉग है किसी भी ब्रीड का, जो अच्छी ब्रीड का है, जो जेन्युइन ब्रीड का डॉग है, उसको जाना ही पड़ेगा ऊपर। ठीक है, 30 डिग्री से अगर ऊपर है तो हमें एसी की नेसेसरी जरूरत है ही है। कभी भी नहीं हुआ कि हम बिना एसी के, क्योंकि ये तो ठंडे वेदर से आए हुए हैं डॉग्स, बिल्कुल, तो इनको एसी की जरूरत है। एक सिंह साहब ये बताइए कि नॉन वेज आप अपने फार्म में कितना बंद करते हो, स्पेशली समर टाइम में? बिल्कुल नहीं बंद करते फार्म। नॉन वेज से क्या होता है? मैं यही आपसे सुनना चाहता था। बहुत सारे गाइस, ये फ्रेंड सर्कल अक्सर होता है कि सर मैंने गर्मियों में डॉग फीड बंद कर दी, मैंने अंडा देना बंद कर दिया, मैंने रेगुलरली एग्स खाते हैं, रेगुलरली चिकन खाते हैं। ओके, आप बहुत सारे क्वेश्चन हर बार लाइव करते हो ना गाइस, तो इनके पास ये ब्रीड है और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनका। अंडा जहाँ कभी मीट गर्म नहीं होता, आप गर्मी में बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सिंह साहब, कंटिन्यू। एक्सेस में नहीं डालना, वैसे कम राइट टाइम सिखाएंगे ठीक है। तो आपका कोई कार्ड होगा सिंह साहब, जहाँ आप लोकेशन या कांटेक्ट नंबर मेंशन कर रहे हैं? कार्ड कुछ नहीं है, बस यश चौज कहीं पे भी सर्च करोगे हर जगह पे मिलूंगा। आपका पेज है इंस्टा पे, ये फेसबुक पेज भी है और नॉर्मल फेसबुक भी है। फिर भी एक बार कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए सिंह साहब। मेरा कांटेक्ट नंबर 9513 5001 00006
01। ओके गाइस, अगर आपको चाओ चाओ चाहिए इस तरह के हैवी हेल्थी, आप सर आपको पपी भी अवेलेबल करवा देंगे और प्रॉपर गाइड भी करेंगे। और गर्मियों में इस ब्रीड को आप, ये सिंह साहब मीट कभी नहीं बंद करते, अंडे वगैरह चलते हैं, बस टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, एसी कंपलसरी। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब उस समय के लिए। गाइस ये हमें सब्सक्राइबर आज यहाँ मिले, नाम सर आपका? मैं सुमेश खन्ना सर। सुमेश खन्ना सर कहाँ, लोकल देरा? यहाँ लोकल देरादून से हूं सर। ओके, और ये मैडम? ये मैडम। आपके घर में भी कोई पेट है सर? हमारे पास हैं सर। कौन कौन सी ब्रीड है? बस तो अभी एक ही ब्रीड है फिलहाल तो। हाँ, कोई रख रखाव में दिक्कत हो? नहीं, कोई दिक्कत। हमारी वीडियो आपको गाइड कर देती है सर, बस। थैंक यू वेरी मच जी। ओके, सत श्री अकाल सिंह साहब, कहाँ से सर आप? देहरादून से ही, हम यहाँ लोकल हैं। ओके जी, आपके पास इस ब्रीड के अलावा जो मैं देख रहा हूँ फोटो में, और कौन कौन सी ब्रीड है सर? मेरे पास सबसे पहले ब्रीडिंग मेरी डॉग अर्जेंटिनो से शुरू हुई थी। ठीक है जी। काफी वो शो विनर डॉग रहे हैं। ओह ग्रेट। टाइम नहीं मिला तो शोज नहीं करा पाते इतना। ठीक है जी। फिर शौक बढ़ता गया, घर में डॉग्स बढ़ते गए, और आपको पता ही है घर में डॉग्स बढ़ते हैं तो मोहल्ले में थोड़ी परेशानी बढ़ती है, घर वाले भी थोड़ा सा बोलते हैं कि यार थोड़ा अलग रख लो इन्हें, प्यार उन्हें भी है। तो वो फिर मेरा केनल ही बन गया। तो उसमें मैं फिर एक लेबरा लाया, जर्मन लाया, इससे मैंने प्यार मोहब्बत में कम से कम 20-25 डॉग्स अभी रखे हैं। एक मैं बात आपकी टोकता हूँ बीच में, आपने जो किया ना कैनल की तरफ गए, वो बहुत कम लोग करते हैं। कभी कभी तो नेबर्स की परेशानी से लोग डॉग रखना छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा कदम लिया। आप देखेंगे मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से 5 साल पहले, तो तब मेरे को तो घर वालों ने भी बोला डॉग्स को छोड़ दो, ये अभी रेस्ट करो करो। मैंने उसके लिए अपनी कई चीज़ सेक्रीफाइस करी, लेकिन डॉग्स नहीं छोड़े। मैंने कहा यार ये बचपन से मुझे शौक था, बीच में मैं जॉब में था तो अब्रॉड रहा, काफ़ी कंट्रीज रहा, तो मेरे को उस समय नहीं पाल पाया। लेकिन जब देहरादून वापस आया, मैंने कहा डॉग्स तो मुझे रखना ही है चाहे कुछ हो जाए अभी। तो घर में कई घर वालों ने बोला यार गाय पाल लो, दूध देगी, ये डॉग्स इतने महंगे महंगे, इनकी शौक है। मैं कोई बात नहीं, शौक पूरे इन्हीं से होते हैं, यही हमारे। नहीं, दूध एक अलग जगह है, जो डॉग लवर है वही ये वही फीलिंग समझ सकते हैं। तो डोगोस हैं, टिप्टन मैस्टिफ हैं, लेबरा है, रिट्रीवर है, जर्मन है। तो अभी यही है कि डॉग्स में इतना प्रॉफिटेबल मैं बोलूँगा नहीं होता है एज अ कैनल चलाने के, जितना ट्रेडिंग में लोग करते हैं। तो इनके लिए कि दूसरा कोई बिजनेस करके इनको, समझ लो आप अगर कोई सोचता है कैनल ऐसे चलाना है तो फुल टाइम जॉब है। या तो इनके साथ ऐसा नहीं कि इन्हें ब्रीडिंग करा के आपको बेचना ही बेचना है, एनी हाउ मतलब मेरे को प्रॉफिट में आना है, वो नहीं होता। कई बार फीमेल को खाली छोड़ना पड़ता है, कई बार फीमेल एक्सपायर हो जाती है, दुख होता है, कई बार कुछ होता है, कैजुअलिटीज होती है, कई बार आपको नॉलेज नहीं होती तो उसके कारण आपको बहुत लॉस नहीं होता। कई बार डॉक्टरों से आपकी अच्छी कंसल्टेशन नहीं मिल पाती, डॉग्स उस दौरान इतने टाइम नहीं होता डॉग पे, वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही मतलब ये बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस के अलावा इमोशनल और मेंटल लॉस बहुत ज्यादा, जो इमोशनल और मेंटल लॉस है ना वो रिकवरी उठ पाना इट्स नीड टू बी बिग हार्ड। मेरे और बिजनेस से उसमें मेरे को अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ तो मेरे को 5-4 दिन में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं चलो हो गया होता। लेकिन इसमें जब होता है ना, तो आज भी मेरी एक फीमेल एक्सपायर हुई थी डोगो की, उसकी फोटो है घर में और आज भी उसकी याद आती है। मतलब जब भी आती है तो मतलब ऐसा आता है, वो एक फीमेल थी जो एक मतलब प्योर सोल नहीं होता डॉग्स वैसे, जो अटैच रहते हैं आपसे। सर इसको ना क्या है, ये हमारे फैमिली मेंबर है, इसको ऊपर एनिमल में आप नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ये फैमिली मेंबर है। अभी अभी आप जो कैनल चला रहे हो उसमें पपीज एंड स्टड सर्विस भी अवेलेबल है आपके पास? स्टड सर्विस है सर, हॉस्टल है, सब सर्विस है। एक गाय रखी है, नहीं के दूध के लिए, नहीं के पनीर के लिए स्पेशली, थोड़ा बच के अपने घर आ गया, थोड़े ऑर्गेनिक सब्जी लगा दी, क्योंकि इनके फीड में जैसे कैरेट्स वगैरह आप डालोगे इतने हेल्दी की तरफ अगर चाहते हो तो इन्हें हेल्दी फूड देना हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, होम कुक फूड, जिसमें राइस हो गया, दलिया, चिकन। अभी जैसे कैरेट का सीजन है तो कैरेट अच्छा खासा डाल दो उसमें, तो ये बहुत ही इनके लिए हेल्दी, मतलब मैं बोलता हूँ कि ऐसे पालोगे लॉन्ग लाइफ रहती है। अपार्ट फ्रॉम फीड पे तो देखो बचपन में हम रखते हैं लेकिन धीरे 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 हम फीड से कम करते हैं और इन्हें हेल्दी डाइट की तरफ लाते हैं, एग्स पे, चिकन पे, जो हम खाते हैं। गाइस है ना, इनका नंबर पीछे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो जो जो सर बातें कर रहे हैं इसके, अगर आपको कोई टिप्स चाहिए कि कब मौसम में ये सब कैसे डाइट देते हैं, तो इनके नंबर के साथ कांटेक्ट आप कर लो। लेकिन वीडियो चैनल भी मैं शुरू कर रहा हूं, जरूर गुड लक। एक बार दोबारा बोल दीजिए पीछे, शेकी
शेकी के ब्लॉग्स गाइस, इनका चैनल है यूट्यूब पर जाइए, वो आपको पूरी डाइट देंगे। एक बार फिर भी अपना ना कॉन्टेक्ट नंबर और फार्म की लोकेशन बोल दीजिए सर। फार्म लोकेशन देहरादून से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, मालदेवता रायपुर जगह पड़ती है, एकदम बिल्कुल नेचुरल माउंटेन्स के बीच में इनका सेटअप करा है मैंने, तो वहाँ पे है। और नंबर मेरा यहाँ पे है 9971439716। Okay. ये व्हाट्सएप पे भी है। एक थोड़ा सा आइडिया दीजिए, अगर 24 घंटे किसी ने आपके पास मीट लाइक लेबरा छोड़ना हो विद फीड आप कितना चार्ज करते हो होस्टलिंग का? रिसेंटली मेरे पे लेबरा थाने जगह है महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास, वहाँ से आया है बोर्डिंग पे, क्योंकि उनके ओनर दुबई गए हैं। ओके, उनको मेरे पे इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास छोड़ा है। ठीक है, अगर आप अगर 5 डेज के लिए छोड़ते हैं तो 400 से 500 रूपए हम लेते हैं बोर्डिंग पर डे का मतलब, और डिपेंड करता है डॉग क्या खा रहा है। ठीक है, कई बार हमारे साथ हुआ अगर नॉर्मल फीड या पेडिग्री नहीं खा रहा था डॉग, वो खा रहा था देखो 800-1000 रुपए वाला रॉयल कैनिन ही खाता था, तब तो मैं उसे 400-500 में पाल रहा था। तो वहां से मैंने सीखा कि मैं पहले पूछता हूँ कि ये डॉग की ईटिंग हैबिट क्या है, बिल्कुल एग्रेसिव तो नहीं है, कितना एरिया और डॉग के साथ फ्रेंडली है छोड़ने लायक कि नहीं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म पे रखता है से 1-2 महीना तो उस हिसाब से कॉस्ट कम होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डिपेंड करता है इन्हीं को खिलाना है इन्हीं से। तो गाइस ये देखो, अभी इन्होंने कहा कि मुंबई से महाराष्ट्र भी डॉग आया, अगर आप नियर देहरादून या उत्तराखंड या हिमाचल या यूपी का बॉर्डर भी बगल में पड़ता है, तो अगर आप अपना डॉग इनके साथ छोड़ना चाहते हो तो आइए इनके कैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे रखरखाव डॉग के बारे में और स्टड सर्विस। इनके पास जो आप पीछे फोटो दिख रही हैं, ये इनके पास स्टड सर्विस अवेलेबल है और इनके पास पपीज़ बड़ी ब्रीड के प्योर पपीज़ भी होते हैं। तो प्लीज़ जरूर सर के साथ कांटेक्ट कीजिए, स्पेशली इनके चैनल को जरूर एक बार फिर दोबारा चैनल बोल के ब्लॉग्स मेरा चैनल का नाम है। और मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, एक सर्विस और है मेरे पास, वो सर्विस है जो डॉग लवर हैं और जो छोटा सा एक अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं घर पे डॉग रख के एक फीमेल से, तो पहले वो एक फीमेल से ही करें, तो वो फीमेल भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ टर्म्स ऑफ की थोड़ा एक पार्टनरशिप टर्म्स होती है, ताकि उसे भी एक तरह से क्या मिले उसको एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि मैक्सिमम लोग 4-5 डॉग्स कैनल खोलते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक डॉग से शुरू करना चाहिए। तो वो भी हम दे सकते हैं किसी को कि ये फीमेल जैसे लेबरा है आप इसे रखिए, तो सारी चीज़ हम बताएंगे कि कैसे करना है क्या करना है, तब आपको लगेगा इस लाइन में जाना है तो आगे बढ़ना, नहीं तो फीमेल वापस रखना, लेकिन आगे भी इसमें मत जाना क्योंकि ये फिर एनिमल्स के साथ ही मतलब बहुत गलत हो जाता है। तो गाइस ये कुछ टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको डॉगी देंगे चेक करने के लिए कि आप एक अच्छे पेरेंट्स हो पेट पेरेंट्स के नहीं, ये बहुत कम ऑप्शन मिलती है गाइस, तो इसको ऑप्शन का जरूर फायदा विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट लेंगे, क्योंकि वो आप फिर आपका हक नहीं है उसको रखने का, क्योंकि आप उसे वो चीजें नहीं दे सकते जो एक देनी चाहिए। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस। कुछ ट्रॉफी यहाँ से शुरू होकर और ये तक पहुँचती है, तो ये इनके ओनर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, कहाँ से? चंडीगढ़। चंडीगढ़, नाम सर अपना? तिलक राज। और इस मल्टी विनर का नाम बताइए, ये कितनी ट्रॉफी जीती है, ये कौन सी ब्रीड है और इसका नाम क्या है? ये तिब्बतन मैस्टिफ है। तिब्बतन मैस्टिफ, क्या नाम है इसका और एज? एज इसकी 2.5 साल है, नाम इसका लाउदीन खिलजी। लाउदीन खिलजी, ओके। सिंह साहब एक बात बताइए, जैसे अभी एक मैडम आई थी उन्होंने कहा कि ये भूतिया है, कोई कुछ को कह देते हैं कि ये बकरवाल है, थोड़ा सा जो हमारे लोग देख रहे हैं वीडियो उनको थोड़ा आइडिया दीजिए कि इन ब्रीडों में क्या फर्क होता है, कैसे आप जज कर सकते हो कि टीएम गद्दी बकरवाल और भूतिया या और ब्रीड्स में क्या फर्क है? सर जो भूतिया है बकरवाल है वो अकॉर्डिंग टू टीएम थोड़े हल्के होते हैं। ओके, मजल तीखा होता फेस ठीक है, हेड साइज छोटा होता ठीक है, ये सब चीज मतलब कहने का सर का मतलब है कि वो इससे दुगले पतले होंगे। ठीक है जी, ओके। इस ब्रीड का जो टीएम गद्दी है इसका रख रखाव कितना मुश्किल है सर? नॉर्मल है सर, खाना वगैरह तो लेबरा से कम ही खाते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी तो बस कंघा वगैरह करना पड़ता, कॉम वगैरह वो बस उसके लिए टाइम वो जरूरी होती है। इसका स्वभाव के बारे में आप क्या कहोगे? स्वभाव सर नॉर्मल रहता है बच्चों के साथ भी। मेरा 3.5 साल का लड़का है वो इसको घुमा लेता है कुछ 3.5 साल। मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी इस ब्रीड को गर्मियों में जब हमारा पंजाब का टेम्परेचर 40 डिग्री होता था उस टाइम क्या रख रखाव में सर? उस टाइम देखिए लॉन्ग कॉट ब्रीड है तो एसी या कूलर वगैरह चाहिए जरूर। और जब इनका हेयर फॉल होता है तो अब कितनी परेशानी होती है?
सर वो ईयरली वन टाइम ही होता है। अच्छा, इनका हेयर फॉल साल में एक बार होता है। ओके, और वो कंघी से चीज वो अंडर कोट जैसे ये आउटर कोट है, हाँ ये अंडर कोट इनका निकल जाता है, जिसको कंबल भी बोलते हैं अपनी पंजाबी लैंग्वेज में, वो कंबल अंदर से निकल जाता है गर्मियों में कि ताकि बॉडी को हवा वगैरह लग सके, कुदरती है वो। गाइस देखो ना, हमेशा हम कहते हैं डबल कोट या और, एक होता है ये बाल वाले बाल, एक होता है नीचे वाले वो, ये अभी स्किन दिख रही है ना, तो ये अभी मतलब इसका अंडर कोट प्रॉपर आया नहीं है क्योंकि उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है अभी। ठीक है जी, तो बाकी आपके पास पपीज अवेलेबल होते हैं इसके, कुछ आइडिया दे पाओगे की? वैसे तो आई नो प्राइस हमेशा वेदर और क्वालिटी के हिसाब से होता है, कुछ आइडिया दे पाओगे कि इसका प्राइस कहां से शुरू होता है और कहां तक जा सकता है? स्टार्टिंग 75,000 टू 1.25 लाख। ओके, डिपेंड क्वालिटी एंड ब्लड लाइन। और जो आपके पास पपीज होंगे विद केसीए पेपर होंगे ना? ठीक है सिंह साहब, दोबारा, ये भी वर्ल्ड चैंपियन का ग्रैंडसन है, रशियन इंपोर्ट, रशियन इंपोर्ट वर्ल्ड चैंपियन, और अब इंडिया, ये अभी तो अभी मैं आज ही के कुछ देख रहा हूं, आज ही चैंपियन हुआ है। ओके, कांग्रेचुलेशन। अपना एक बार फिर दोबारा कैनल का नाम सिंह साहब? रुद्रा कैलासा कैनल का नाम है सर। लोकेशन? चंडीगढ़। और नियर बाय? नियर बाय चंडीगढ़ सर, चंडीगढ़ मेन। कोई कांटेक्ट नंबर सिंह साहब? 9888-9888-04। गाइस टीएम गद्दी चंडीगढ़ में या कहीं भी हो, अब पंजाब से बाहर डिलीवरी भी कर दोगे? जी जी, तो गाइस चैंपियन टीएम गद्दी प्लीज कांटेक्ट कीजिए, जो मेरे फ्रेंड है। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। ओके सर, एक बार दोबारा अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है। राहुल, आप यहीं से हो लोकल? आपको एक तो ये बताइए कि जो नए लोग इस ब्रीड को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको इनका ये अग्रेसिव, ये बच्चों के साथ कभी बुजुर्गों के साथ आपको लगा कि ये ब्रीड नहीं, ये तो बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, ये लाइन पे भी डिपेंड करता है कि अग्रेसिव है या नहीं है। ओके, बाकी ये बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है दोनों। बाकी जिस तरह इनके यहाँ से आपने लिया जिस फार्म से, उन्होंने कहा कि वो डाइट में भी कोई चेंज नहीं करते, बस टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, आप भी वही थ्योरी फॉलो कर? अभी भी डाइट में मैं चिकन लेके आ रखा हूं इनके। तो आप क्या जो अभी इस ब्रीड को देखकर लेना लेने वाले हैं, आप उनको क्या दोगे, एक टिप दोगे कि हाँ ये ब्रीड रखिए, इसमें डरिए मत? नहीं, अगर आप बच्चे की तरह पाल सकते हो तो बिल्कुल लेना, अगर केयर नहीं कर सकते हो तो फिर लोग किसी और इजी डॉग पे ले। बाकी सिंह साहब के साथ कांटेक्ट तो हमने कर दिया, वो अपने डॉग के टेक कर दिए, प्रॉपर आपको गाइड भी करते हैं। ये स्टड है। ओके, तो ये आपका भी कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, क्योंकि अगर कोई नियरेस्ट फीमेल वाला सर्च करा तो देहरादून में। सर नंबर बताइए। 7895-9999992। ओके गाइस, स्टड सर्विस अवेलेबल है देहरादून में, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यो गाइस, शो की ना जब हम एंटर हुए थे तो पहले इसी स्टॉल पर मेरे सर के साथ मीटिंग हुई थी सिंह साहब के साथ, तो इनके हाथों में ये सोना देखकर काफी अच्छा लगा। क्या जीता सर आज इसने? दोनों बेस्ट ऑफ ब्रीड, दोनों सीसी। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। पूरे दिन की मेहनत है ना, ये शाम को अगर आपके हाथ हो और ये आप चाहे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर आए हो तो सब थकान निकल जाती है। वाहेगुरु चढ़दी कला रखी, होर भी गांत गांत रखियां। एक बार इसका जाते जाते नाम बता दीजिए। जोए जीता है अगेन दिस देहरादून डॉग शो में केसीआई का। बहुत इसमें नॉर्मल नहीं होता जीतना गाइस, ये इसमें एक पूरी बारीक आंख होती है, बड़े बड़े जजेस होते हैं, तो अंत में अगर ये मिलता है ना तो इसमें मालिक का और उनकी टीम का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब।